नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, ये बीजेपी कार्यालय का नज़ारा है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड बीजेपी कार्यालय में और यहाँ पर पूरी तरह से जश्न का जो माहौल है आप देख सकते हैं कैमरे पर। लोग यहाँ पर धूम मचा रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बीजेपी जो है अभी से जश्न मनाना शुरू कर चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पर नज़ारा कि यहाँ पर लोग किस तरह से जश्न मना रहे हैं। बीजेपी के लोग जो यहाँ पे कार्यकर्ता नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं और अपनी जीत का जो है जश्न मना रहे हैं। पूरे देश में जो है बीजेपी इस वक्त जश्न में डूब चुकी है। बीजेपी जश्न मना रही है, आंकड़े यही बता रहे हैं कि बीजेपी जीत चुकी है, फिर से बीजेपी सत्ता में आ रही है, प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग के चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। बहुत हर्ष और उल्लास का अभी माहौल बना हुआ है। खासतौर से महिलाएं जितने मेहनत की है उसका परिणाम महिलाओं को मिला है और महिलाओं की अच्छी भागीदारी रही है। जहाँ हमारी सीटें कम आई है उसके लिए भी जनता जनार्दन है, जनता के जनादेश को हम लोग मानते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसके लिए सभी देशवासियों को शुभकामना देते हैं। सीटें कम मिली है, इसकी निराशा है पार्टी में? सीटें देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सीटें बढ़ती घटती रहती है, इसे निराश नहीं होना है और इससे हम लोग को आगे सीखना है। जहां हमारी सीटें कम है हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे और फिर भी हम लोग ये किए हुए हैं कि आने वाला समय हमारा ही होगा और प्रधानमंत्री बाहर हैट्रिक लगाएंगे। पूरे देश में बीजेपी इस वक्त जश्न मना रही है लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़े जो है कम हो गए हैं वादे के मुताबिक, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जनता ने हमें मैंडेट दिया है कि देश के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का, पुनः तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर हम आश्वस्त हैं। कांग्रेस के लोग के लिए अभी दिल्ली दूर है, इसलिए वो लोग अभी निश्चिंत रहें, इसलिए मन में लड्डू ना फूटे उनके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कुछ कमी बेसी जो हुई है उसकी समीक्षा होगी लेकिन पुनः तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली है। सहयोग किया था तो आज आप महिलाओं में कैसा उत्साह है? हम बिल्कुल महिलाएं में काफी उत्साह है, इसलिए कि हम महिला शक्ति ने आज प्रधानमंत्री को पुनः तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है और आज पूरे देश भर में 31 करोड़ बहनों ने वोट डाला अपना और इन महिलाओं का मतदान के चलते आज पुनः तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद और झारखण्ड की सभी बहनों की तरफ से फिर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। की राजनीति करने वालों की हार हुई है और एनडीए गठबंधन चुनाव जीता है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री का समर्थन लेंगे। क्या अयोध्या में राम मंदिर बना, सबकी खुशी लोग मना, वहाँ से भी चुनाव जीते हैं और राम हमारे दिल में बसते हैं, इसको वोट की राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। बधाई उनको, लेकिन एक निश्चित तौर पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी अंदरूनी लड़ाई प्रारंभ होगी क्योंकि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दो भागों में विभाजित भी होगा, दो भागों में। अरे, जनता के जनादेश को हम सर आंखों पे रखते हैं और साथ साथ मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, देश की जनता का ये जनादेश है और हम उसको सहज स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। देश की जनता ने मोदी जी को फिर से चुना है, प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, जनता पार्टी की जीत है।
तो जैसा कि आपने देखा, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश किस तरह से बीजेपी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से यहां पर जश्न मना रहे हैं और बेहद प्रसन्न हैं कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो आंकड़े कम हुए हैं, चाहे वो झारखंड की हो चाहे पूरे देश की हो, जो आंकड़ों में कमी आई है, जो सीटों में कमी आई है, उसे उन्होंने कहा कि ये जनता का जनादेश है और उसे वे बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं जनता के इस फैसले का। हालांकि उन्हें इस बात की खुशी है कि लगातार तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और बीजेपी सत्ता में रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने गांडे में हुए उपचुनाव को लेकर के कहा कि कल्पना सोरेन भले ही भारी संख्या में जीती हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं जेएमएम में दो फाड़ की जो है वो शुरुआत है, क्योंकि अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की रेस में आती हैं तो इससे जेएमएम में जो है काफ़ी लोग नाराज़ होंगे और जेएमएम कहीं ना कहीं आगे जाकर दो खेमे में बढ़ जाएगा। बहरहाल इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस बात का फैसला तो भविष्य में चलेगा। फिलहाल इस वक्त जो है पूरे देश में बीजेपी और बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो तहे दिल से जो है बीजेपी की जीत का जश्न मना रहे हैं और पूरी तरीके से जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। मैं अरुषि राय अपने सहयोगी जयंत के साथ, नमस्कार।